दोस्तों काम बहुत खराब हो गया है, इन्हें बंद कर रहे हैं पहले चूजों को। बहुत शदीद किस्म की बारिश लग गई है। चल बल्लू चल 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 कबूतर ये उड़ रहे हैं, ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों बारिश देखें, बहुत शदीद किस्म की है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो बारिश रुकेगी इसके बाद आएंगे। कबूतर हमारे चारों यूं ही उड़ रहे हैं, सुबह से बंद थे, अभी खोले हैं तो वो नीचे ही नहीं आ रहे। ऊपर बिठाने लगा मैं इसको। चल इधर डांगी पे, उधर जिधर दिल है बस पंजे लगा जे, पता लगे आगे जा रहा है। इधर वैसे ज्यादा इजी सीन नहीं था। ये जो दो कबूतर हैं ये अभी हमने नहीं खोले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 कबूतर हैं जो ट्रेंड हैं, तो और कबूतर हैं ही नहीं हमारे पास। वो जो दो थे वो बिल्ली ले गई, एक को ज़ख्मी कर दिया, तो इसलिए ना अभी हम नए कबूतर अभी जल्दी जल्दी कह रहे हैं ट्रेंड हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन लेके आए हूँ, एक साशी है और ऑक्साफेक्स है। ये मेडिसिन भी दोस्तों कबूतरों को देते हैं। मौसम चेक करें दोस्तों, बहुत प्यारा बना हुआ है। सुबह से ही ना बारिश वाला मौसम बना हुआ है। ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो भी रही है अभी, तो सुबह से यूं ही है। तो ये चूज़ों को खोला हुआ था बारिश में ही ना, उसके बाद फिर हम मेडिसिन लेने चले गए थे। और पहले ही नहीं ना दाना पानी कर ले, उसके बाद फिर ये कबूतरों को खोलते हैं और मेडिसिन देते हैं। बल्कि ना ऐसा करते हैं, वो जो 3 उड़ने वाले कबूतर हैं ना, पहले उन्हें उड़ा देते हैं। बारिश कौन सा इतनी तेज़ हो रही है, उन्हें उड़ा देते हैं, साथ ही साथ दाना पानी कर लेते हैं। कबूतर दोस्तों सुबह से बंद है, ये देखें ताला लगा हुआ है, बाहर भी नहीं निकाले, पानी पहले निकाल लेते हैं। अभी इन्हें निकाल लेते हैं। ये दोस्तों 4 कबूतर है, इन्हें उड़ाना है अभी, इन्हें उड़ाते हैं अभी। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो दोस्तों ये 4 ही रह गए हैं, बाकी जो 2 और थे इसके अलावा ये निकल गए। क्या बात है, वो खैर आज तो खुद ही उड़ गए। चल तू भी चल, शाबा शाबा। ये उड़े हैं दोस्तों, आज सुबह से बंद थे ना और अभी निकाला तो फौरन उड़े। अभी इन्हें चूजों को और इसे इन्हें बल्लू को ना, उसके बाद पीले को भी खोलते हैं। इन्हें पहले दाना पानी करेंगे, उसके बाद आज कबूतरों को खोलेंगे, क्योंकि उन्हें मेडिसिन भी देनी है और ताकि ना टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। ये देखें ये चीना उड़ रहा है दोस्तों, ये बड़ा स्टाइलिश उड़ता है, तेज तेज उड़ता है। ये बारिश भी हो रही है दोस्तों। वो ऊपर एक और कबूतर आया, वो वरा वो दे आया ना इधर, ये उड़ रहा है, ये अपने उड़ रहे हैं। दोस्तों शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी कबूतर उड़ाए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ। किधर गए वो है दोस्तों, ये जूम कर तो, ये 4 उड़ रहे हैं, ये रे माशाल्लाह आ रहे हैं, आ रहे हैं वापिस आ रहे हैं। उड़ाए हुए दोस्तों अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, तो बारिश ही साथ स्टार्ट हो गई है। अभी नीचे से नजर आए इनका दाना ले हैं, इन्हें तो डाल लेना। और ये आ गया दोस्तों दाना, इन्हें अभी दाना डाल देते हैं। कबूतर अभी तक उड़ रहे हैं दोस्तों, सारे ही डाल देते हैं। बारिश भी सही स्टार्ट हो गई है, कबूतर किधर हैं, ये उड़ रहे हैं चारों। दोस्तों बारिश सही टिका के स्टार्ट हुई है, अभी सही बारिश हो रही है दोस्तों। ये रे चारों, ये उड़ा तो दिए, अब ये बैठ जाएंगे। इधर हमारी छत के ऊपर ना साइड पे बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और तेज हो गई है बारिश। कुछ नजदीक आए हैं, ओए बैठ जो, ये सही बारिश हो रही है दोस्तों।
हैवी मामलात वाली है, चेक करें नजर आ रही है मेरे कपड़े देखें। ये आ रहे हैं बादल कबूतर, ये आया चीना सबसे पहले बैठे रहा। यार ये मोबाइल कैमरा बार बार गंदा हो जाता है। अब आएंगे, ये आ रहे हैं। ओए आ जाओ शहजादों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गलती कर दी उड़ा के। तो काम बहुत ख़राब हो गया है, इन्हें बंद कर रहे हैं पहले चूज़ों को। बहुत शदीद किस्म की बारिश लग गई है। चल बल्लू चल 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 चल। कबूतर ये उड़ रहे हैं, ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। बारिश देखें, बहुत शदीद किस्म की है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो बारिश रुकेगी इसके बाद आएंगे। कबूतर हमारे चारों यूं ही उड़ रहे हैं, सुबह से बंद थे, अभी खोले हैं तो वो नीचे ही नहीं आ रहे। ये आ बचा, ये भाई मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। अभी दोस्तों काफ़ी बारिश रुक गई है, तो अभी दोबारा ऊपर चलते हैं, देखते हैं कबूतर बैठे हैं या नहीं। खोल दिए ये दोस्तों कबूतर, अभी खोल दिए। वो एक कबूतर मारा उड़ के ना, वो बैठ गए। ये कल के व्लॉग में आपको दिखाया था जो नए कबूतर लेके आए थे, जाक चीना उड़ने लगा ली। आ गया आ गया, क्या बात है, कल लेके आए हैं दोस्तों ये। अभी वो वाला केज खोले ही नहीं है, वो उसे भी खोल देते हैं ताकि वो भी बाहर आ जाए। ये डर है। अभी दोस्तों आपको नए कबूतर का शौक करवाते हैं, गोल्डन कबूतर का। ये रहा माशाल्लाह, ये आइज क्लोज अप चेक करें। जबरदस्त, ये पर अभी निकाल रहा है, ये कटा हुआ ही आया हमारे पास, कटा हुआ आया था, अभी सार हो रहा है। पर पटाई दे दी थी तो अभी हल्का हल्का उड़ भी लेता है। बिल्कुल बन टेल, बड़ा कबूतर है दोस्तों, जबरदस्त। ये दोस्तों ऑक्साफेक्स, और ये साशे लेके आए थे। ये साशे दोस्तों हमने उन्हें कहा था मेडिकल स्टोर वालों को ना कि कबूतरों को जुएं पड़ी हुई है, तो हर वक्त वो ख़ारिश करते रहते हैं। तो दोस्तों मेडिकल स्टोर वालों ने कहा था कि ये आप ना परात में मिक्स कर लें किसी टॉप वगैरह में ना, तो कबूतरों को नहला दें उसमें थोड़ी सी मिक्स करके, तो ये नहाएंगे तो उनके कीड़े मर जाएंगे। बहरहाल दोस्तों आज तो ये बारिश लगी रही है, हालांकि अभी हमने कबूतर उड़ाए हुए थे वो भी बारिश में उड़ते रहे, तो आज तो फिर इन्हें नहीं नहलाते, आज इन्हें ऑक्साफेक्स ही मिक्स करके दे देंगे। ऑक्साफेक्स दोस्तों बेसिकली ये इनके अंदर जो कीड़े होते हैं ना दोस्तों, जो इनके अंदर कीड़े होते हैं उनके लिए होती है मेडिसिन ऑक्साफेक्स। कबूतर दाना ज़्यादा खाएंगे, जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आज ये ऑक्साफेक्स ही मिक्स करके देंगे, नहलाएंगे अब कल ही, पेंडिंग पे कर दिए। अभी दोस्तों कबूतरों के पानी में नए ऑक्साफेक्स डाल देते हैं। ये रहा, ये देखें यहाँ से पानी पी रहे हैं, बारिश हुई हुई है ना। चलो अंदाजे से। अच्छा दोस्तों पहले सिरप डालनी होती है, उसके बाद पानी डालना होता है। हमारी बाल्टी के अंदर पानी अच्छा खासा आ जाता है, इसलिए सिरप भी ज्यादा डालेंगे। इधर से इन्हें मना किया तो उधर जाके पीते हैं। एक बार से लग रहा है सिरप डाला है। Ah
तो आपको ना एक और कबूतर का शौक करवाते हैं। ये भी सारा तकरीबन हो गया है, इसे भी तकरीबन 10 दिन लगेंगे, फुल पार निकाल लेगा ये रहा नर। माशाल्लाह आंखों का शौक करें, माशाल्लाह। और ये रहा पार, बहुत बड़ा पार है दोस्तों, ये पार जो है ना अभी निकाल रहे। दोस्तों बड़ा नायाब कबूतर है ये भी, जबरदस्त। दोस्तों ये तकरीबन ना हमारे पास तकरीबन 20-25 दिन हो गए हमारे पास ही है, पर पटाई इसकी हुई हुई थी तो इधर ही सार हुआ। अब देखे क्या करता है, एक दफा ही नाना उड़ जाए ऊपर बिठाने लगा इसको। चल इधर डांगी पे है, उधर जिधर दिल है बस पंजे लगा जाए, पता लगे आगे जा रहा है। इधर वैसे ज्यादा इजी सीन नहीं था, ये डांगी पे बिठा रहा है, ये शाबाश। इधर मुकर, क्या बात है, भूख ही हुआ है, नीचे से ही भी उड़ाते हैं। ये मादी दोस्तों पहली दफा उड़ी है, वो जा रही है, आ रही आ रही आ रही है यार, ये आ रही है, ये वाइट वाली जो मादी है पहली दफा दोस्तों उड़ी है, ये रही। क्या बात है, क्या बात है, डंगी पे बैठो। ये तो अपना ऑलरेडी जो ट्रेंड है नर वो है। ये दोस्तों एक और कबूतर आ गया, इसे भी अभी ऊपर बिठाते हैं। ये रहा कबूतर, ये जो नए नए पर निकाल रहे हैं ना इन्हें तो ऊपर बिठाया करें ताकि ये वापस आ गया है। शहजादे तुझे ऊपर भेजा था। ये अभी एक और कबूतर दोस्तों बिठाने लगे हैं, दो हो गए। शहजादी ऊपर पाँव लगा, देखा दोस्तों आपको पर नजर इसके आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े इसने पर निकाले में, उड़ भी लेती वापिस आ वापिस आ वापिस आ, हाँ आगे पीछे नहीं पैर लगाने। दोस्तों कबूतर ऊपर बैठते ही नहीं थे, ये अभी बैठे हैं, चार कबूतर बैठे हैं तो खुद ही बिठाया दोस्तों, एक खुद बैठा है और तीन को हमने खुद बिठाया। एक कबूतर दोस्त, ये भी एक ये पर निकाल दिया, कबूतरी उड़ गई थी और एक हमारी ये बैठी हुई है कबूतरी, ब्लैक वाली जो थी ना जो पर निकाल रही थी वो है। ये दोस्तों एक कबूतर खोला है इसका, माशाल्लाह शौक कर रही है, कल ही है, कल जो आपको लास्ट व्लॉग में ना आपको जो कबूतरों का शौक नहीं करवाया जो सियालकोट से आए हैं, खराब हो गए यार, ये अब धागे से बांध देंगे अंदा के बाद, तो इसे अभी खोल लिया, अब ऊपर बिठाते हैं इसे भी, अल्लाह करे ये कल अभी बैठ गया बैठ गया बैठ गया। शहजादी मिशन सक्सेसफुल, वो दोस्तों अभी तक नहीं उड़ी, वो बैठी हुई है ये रही। ये दोस्तों एक और सियाल कोटी मादी आ गई है, इसे भी खोल लिए, ये रही, इसे भी ऊपर बिठाते हैं, बस पंजे लगा जे। ये रही माशाल्लाह, ये जो दो कबूतर हैं ये अभी हमने नहीं खोले हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी
सिर्फ और सिर्फ 3-4 कबूतर हैं जो ट्रेंड हैं, तो और कबूतर हैं ही नहीं हमारे पास। वो जो दो थे वो बिल्ली ले गई, एक को ज़ख्मी कर दिया, तो इसलिए ना अभी हम नए कबूतर अभी जल्दी जल्दी कह रहे हैं ट्रेंड हो जाए। अभी दोस्तों आप लोगों के साथ मैं कुछ कमेंट्स शेयर कर दूँ। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई आप इधर ना खुडों के ऊपर जाल रखें, तो दोस्तों बात यह है ना जाल का इशू नहीं है, हमें घर से इजाज़त ही नहीं है, घर वालों ने सख्ती से मना किया हुआ है ऊपर जाल रखने से, तो घर वालों को नाराज़ करने वाली बात है। उससे बेहतर है बंदा ये हल्का पुल्का शौक करता रहे, अगर उनको दोस्तों नाराज़ किया तो ये जो हल्का पुल्का शौक है तो ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है ना बंदा थोड़ा सादा शौक कर ले। तो उसके बाद ना एक मोहसिन भाई का कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि भाई हवेली में आप क्यों नहीं कबूतरों का शौक करवाते, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हवेली में ना जो थोड़ा प्रोफेशनल सीन है कबूतरों का, क्योंकि जेठ ही हमने उड़ाना होता है, तो जेठ जो है ना दोस्तों वो सबसे जो सख्त सीज़न होता है ना कबूतरों का वो जेठ ही होता है, तो वो फिर भाई के अंडर ही सारा काम होता है, इसलिए दोस्तों वहाँ पे ना फिर बंदा यूं शौक नहीं करवा सकता जैसे यहाँ पे हम कबूतर उड़ा रहे होते हैं, कबूतरों के छेड़ रहे होते हैं। वहाँ पर दोस्तों बस कबूतरों को जाल के ऊपर बिठा देना होता है, तो जब उड़ाना होता है एक दफ़ा ही उड़ाना होता है, थोड़ा प्रोफेशनल सीन है इसलिए दोस्तों वहाँ पे। और दूसरी बात जो है दोस्तों कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सारी हवेली तैयार करवाएंगे, तो दोस्तों वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22 मरले की जगह दोस्तों वो तैयार करवाना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा काम करवाया था वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, तो इसलिए ना थोड़ी समझ लग गई थी कि ये अभी काम नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही तैयार करवाएंगे इंशाल्लाह दोस्तों तैयार करवाएंगे। तो क्योंकि ये दोस्तों ये परिंदों का भी है, ये मुर्गे जो कबूतर रखे हुए हैं दोस्तों, ये भी अभी हम पॉकेट मनी से ही करते हैं, हल्का पुल्का कर लेते हैं, तो आप लोगों को शौक करवा देते हैं। वो कबूतरी दोस्तों यहाँ से उड़ के ना वो उधर जाके बैठ गया, ये वो ब्लैक वाली, तो ये उड़ने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों, ये भी थोड़ी एक्टिव हुई हुई है, तो इसलिए दोस्तों हवेली इंशाल्लाह तैयार करवाएंगे। तो क्योंकि जिस तरह मैंने सोची भी थी ना कि तैयार करवानी है, तो दोस्तों वो बहुत एक्सपेंसिव काम हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा साइड भी हो गया दोस्तों। ये भी था ना कि मैं YouTube चैनल की वजह से वो हवेली तैयार करवा रहा था, तो इतना बड़ा रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था दोस्तों, तो वो भी ज़रा देन के अंदर बात थी कि अगर बंदा इतना बड़ा कदम उठा ले और रिस्पॉन्स भी ना मिले तो मुश्किल हो जाती है। एक और भाई का कमेंट आया था दोस्तों, ये वाला जो हमारा पट्टा है, ये वाला जिसे बिल्ली ने ना ख़राब कर दिया, इसका कुंदा उतार के ले गया, तो ये मादी भी आ गई दोस्तों, ये अभी उड़ गया, ये उधर बैठी हुई थी साथ वालों की छत पे, तो शुक्र है दोस्तों ये आ गई है। तो भाई ये पट्टा हमारे पास भी यूं ही पड़ा हुआ, अभी हम भी सोच रहे हैं इसका क्या करें, कोई इशू नहीं, आप एड्रेस भेजें, यहाँ से मैं ख़ुद भेज दूँगा आपके लिए, कैसी कोई बात नहीं है, गिफ्ट ही गिफ्ट है। तो ये दोस्तों ये मादी है, ये जो साथ वालों की छत पर जाके बैठ गई थी, ये री माशाल्लाह जबरदस्त, और ये पर रहे हैं इसके, अभी पर निकाल रही है, हमारे पास आई थी दोस्तों इसके बिल्कुल पर ही नहीं थे, ये अभी इसने पर निकाले हमारे पास ही, इसे भी ऊपर बिठाते हैं, ऊपर दो कबूतर हमने नए खोल के बिठाए हैं, और चल शाबाश, ये वापिस आ गई। ये दोस्तों पट्टी नहीं है, ये पूरी मादी है दोस्तों, ये लगती यूं थोड़ी छोटी छोटी है, ये री माशाल्लाह, दोस्तों अभी पूरी छत क्लोज कर दी है दोस्तों, अभी 5 बजे का टाइम है, और ये देखें, ये मुझे लग रहा है सर्दियों की शुरुआत होगी है, बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि ये जो है आपने ढांगी, ये आपने कैसे लगाई है, कितने की लगवाई है, दोस्तों ये बिल्कुल फ्री में लगी है, ये बांस हमारे पास पड़े हुए थे ये वाले, तो स्टिक्स हमारे पास पड़ी हुई थी, ऊपर कपड़े के साथ बांध दिए, और ये जो तार इधर बांधी है ये इसलिए कि जब हवा तेज़ चले तो ये हिले ना ऊपर से, तो ये भी बहुत मज़बूत बंधी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों वाइंड अप करते हैं, परिंदे सारे बंद कर दिए, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जिन भाइयों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जज़ाकअल्लाह।